तो दोस्तों माशाल्लाह से देखे फीमेल अपने बच्चों को फीड करा रही है, और अभी मैंने देखा कि इनके पानी भी ख़त्म हो गया, दाना भी ख़त्म हो गया। तो इनको सबसे पहले दाना पानी डाल देता ताकि इनको फीड कराने में परेशानी ना हो। लेकिन अभी माशाल्लाह दाना भी खाया ही इन्होंने, तो ऐसा कोई मसला है नहीं। ये अभी अपने बच्चों को फीड करा दीजिए अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों एक बुरी खबर ये कि देखें डायमंड का बच्चा ये भी ज़िंदा है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई हुई। तो देखें बेचारा इस तरह बिल्कुल एकदम वो हो गया अधमरा सा, और ऐसा फील हो रहा है जैसे बेचारा एक अजीब सी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं बच पाएगा। बच तो खेल नहीं सकता ही जिस तरह इसकी हालत हुई थी, लेकिन अब इसको दवाई वगैरह भी दी थी भाई ने, कल आपको वीडियो में बताया था। लेकिन अब ये क्या करें, इसकी हालत ऐसी हो गई कि बहुत ज़्यादा कम उम्र में बास्केट से बाहर आ गया था, इस वजह से इसका ये हाल हुआ। कॉलोनी में फिर ये डायमंड ऑफ रखने का नतीजा ये होता है जो आपके सामने है। तो बाकी इसको तो मैंने बाहर निकाला अभी केस से, और इसको अभी फिर देखते दवाई वगैरह कुछ देनी होगी तो देंगे। भाई भी नीचे से आ रहा है, जब तक कि मैं मुर्गी को खोलता हूँ और इसके चूजे देखता हूँ कितने निकले, क्योंकि कल इसके चूजे निकलने स्टार्ट हुए थे। कल पहला चूजा निकला था, अभी मैं देख लेता हूँ और कितने चूजे निकले। हाँ हाँ, इसके तार बना हुआ और एक अंडे का छिलका देखिए बाहर पड़ा हुआ। तो अभी इसको बाहर निकाल के और फिर इसके चूजों को दाना भी अभी हाथों हाथ दे देंगे। ये अंडे का छिलका उठा ले रहा हूँ, ये देखें ये तो इसी का छिलका है। अब बच्चा निकले किस किस में से ये देखना। इसको मैंने बाहर निकाल लिया और देखें ये इतने इतने से चूजे माशाल्लाह 3 चूजे निकले। एक ये रहा, ये आ गया 3 चूजे। ओहो, एक चूजा उसके अंडे के अंदर ही मर चुका है। और बाकी ये अंडा ख़राब हो गया, इसमें बिल्कुल हिलने की आवाज़ आ रही है। और ये दूसरा अंडा मुर्गी का, ये भी ख़राब है, इसमें से भी हिलने की आवाज़ आ रही है। और इसका यार बेचारे का अफसोस बहुत हुआ मुझे, ये देखें बच्चा बिल्कुल अंदर तैयार है, लेकिन वो निकलने से पहले मर गया बेचारा इसके अंदर ही। तो इसके निकले टोटल 3 बच्चे। अब इनको दाना वगैरह भी डाल देता है, क्योंकि कल से निकलना स्टार्ट हुआ तो आज दोपहर तक के सुबह तक के 3 निकल गए होंगे। 2 अंडे ख़राब हो गए, 1 अंडे में बच्चा मर गया अंदर ही। तो पहले इसको मैं देखता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करता हूँ। तो दोस्तों चूजे निकले, ये 2 ब्लैक है और 1 वाइट है। ये वाइट वाला इसके अंदर को सब कहाँ गया, ये मैंने इसको पकड़ लिया था। अब मुझे डर लग रहा है कि सामने ये मुर्गा मुर्गी है, इनको देख के कहीं ऐसा ना हो दोबारा अपने बच्चों को उठा के मारना शुरू कर दे। इसकी आदत जो है वो इसी तरह की है कि बिल्कुल ये सामने दूसरे मुर्गा मुर्गी को देख के लड़ाई के चक्कर में अपने बच्चों को मारना स्टार्ट कर देती है। तो ये देखे माशाल्लाह से बच्चे तो बहुत बड़े प्यारे निकले, लेकिन ये कि बस लग रहे जल्दी से इनकी केयर करके बड़ा कर लेंगे। दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी है, मैं सोच रहा था कुछ खा लेंगे, लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रहे बच्चे, और ये मुर्गी इनको लेके बैठी। बस मुझे डर इनका ये लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि मुर्गी इसको मारती है दूसरे मुर्गा मुर्गी को देख के इनकी केयर करने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए। तो ये सेफ्टी करती है उल्टा अपने बच्चों को मार देती उठा उठा के। तो मैं इसको लिहाजा वापसी बंद कर रहा हूँ, बड़े नुकसान से बेहतर कई बच्चों को बंद कर रहा हूँ। कल खोल के इनकी केज की सफाई भी करेंगे। आज भाई की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, वो इस वजह से ऊपर नहीं आ रहा, बस अभी आया था राउंड लगा के चले गए। बस मुझे बता के गया कि इसमें 3 बच्चे निकल गए, और उसने कहा था वीडियो नहीं बनवाऊंगा क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो वो कंडीशन भी उसकी बस वो ऐसे ही लेटा हुआ था, इस वजह से वो वापसी नीचे जा चुका है। अब बस वो पानी वगैरह डाल के दाना वगैरह डाल के मैं अब तक इनको बंद कर देता हूँ, ताकि ये वापसी अपने उसमें जाके बैठ जाए जगह पर, क्योंकि बच्चे सेफ रहे थे। दोस्तों मुर्गी को छोड़ दिया अंदर, और ये देखें बच्चे मेरे हाथ में, ये वापसी बाहर आने कर दी, इनको मैंने वापसी में बिठा दिया। इनकी सफाई भी मैं नहीं करूँगा, आराम से ये पागल ऐसी है कि भी बैठती है ना तो नीचे बच्चे दब भी जाएं, ये फिर भी पाँव रखी हुई रहती है। पता नहीं यार इनमें इतनी अकल क्यों नहीं होती कि बच्चे नीचे पाँव के नीचे पूरी पाँव रख के उस पर खड़ी। जैसे हमारी इस मुर्गी ने तरकी बट के बच्चे मारे हैं, 3 बच्चे, इतने प्यारे बच्चे और इतने हेल्दी बच्चे निकले थे उस अंडों में से, लेकिन यार इसने क्या किया, पाँव रख के उनकी गर्दन पर खड़ी हुई। और खड़ों के ऐसे जैसे नज़ारे नहीं इधर उधर कर रहे थे, सी साइड पर खड़े हुए वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, यूँ देख रहे हैं, यूँ देख।
ये लोग इस तरह के काम होते हैं कि बंदे की नहीं हटती तो हट जाए, इस तरह के काम करते हैं, बड़ा गुस्सा आता मुझे। तो दोस्तों अभी जो फिगर डायमंड के बच्चे की, बेचारा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार है और इस तरह पड़ा हुआ है। तो मैं भी आपको दिखा तो नहीं रहा क्योंकि उसकी हालत थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से मैंने उसको भी एक साइड में ही रखा हुआ। उसको दवाई वगैरह भी दे दी है मैंने, और भाई आया था तो दवाई लेके जा चुका है। अब देखें अल्लाह मालिक है, बच्चा नहीं बच्चा, ऐसी ज़िंदगी होगी तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, और ज़िंदगी नहीं हुई तो फिर कोई कुछ कर सकता नहीं है। और बाकी इसको भी मैंने एक साइड में रखा हुआ, अभी फिर दोबारा इसने डायमंड अपने अंडे दिए हुए हैं। बस आप दुआ करिएगा कि आपके बच्चे निकले, वो बच्चे सेफ रहें। लेकिन बस मसला कॉलोनी का यही होता है, कॉलोनी बड़ी होती है, हमारे पास तो एक केज है छोटा जिसमें हमने रखे हुए, लेकिन ये कि छोटे केज का मसला नहीं है, इनका ये मसला कॉलोनी में भी होता है। काफ़ी भाइयों ने रखे हुए हैं तो वो डिस्टर्ब ही रहते हैं, ये केज में ही सही रहते हैं। बहरहाल इनका तो चलता ही रहेगा जब तक कि मैं दूसरा काम देखता हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका मुझे यहाँ पे आए हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था वीडियो में कि बस ये आए और इस तरह कर लिया, लेकिन ये छोटे छोटे काम भी जो है ना ये घंटों ले जाते हैं हमारे। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैं चले गया नीचे, थोड़ा काम था, घर वालों ने बुला लिया था, अभी आते थे। मैंने एक चीज़ देखी, लाइट हमें बड़े डिस्टर्ब करती थी व्लॉगिंग में ना, तो व्लॉग बनाते हुए लाइट जो है कैमरे में पड़ रही होती थी, ये मैं सोचा था निकालूंगा, लेकिन निकालने से पहले ये बेचारी खुद ही ख़राब हो गई, तो ये लाइट बंद हो गई। और अभी मैं सोचा था कि यहाँ पे आके अपने पिजन को देखता हूँ, और पिजन माशाल्लाह से अभी तक के बैठे हुए हैं। सिर्फ ये मैं तो समझा था कि जिस तरह इन्होंने पैर बना लिया था बहुत जल्द, तो जाते ही अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी देखें ये वाले जो है नीचे वाले ब्राउन और ब्लैक, ये कभी इस पेटी में आ रहे हैं कभी उस पेटी में जा रहे हैं, और ये जो है ये दोनों ये भी अपनी पेटियाँ चेंज कर रहे हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी सिलेक्शन में लगे हुए, चले इनका तो समझ में आता है, ये जो फीमेल है ये थोड़ी छोटी है, देखें हाथ में आ रही है मेरे, ये इस वजह से थोड़ा वो कर रही है क्योंकि ये बेचारी हुई टाइम। तो अभी इनके दाना नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इसको दाना हाथ पे निकाल के खिलाता हूँ, देखता हूँ खाती है नहीं खाती। उड़ता है इधर उधर, तो ये माशाल्लाह काफ़ी टाइम हुआ। हाँ हाँ, जो इसका बाप है वो बेचारा परेशान हुआ केज में, इसका मेल है अब तो बाप कहाँ से आया, तो ये वो केज में परेशान हुआ बहुत ज़्यादा। अब देखता हूँ मैं ये दाना खाती नहीं खाती। हाँ 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 हाँ, तो इसको मैं हाथ पे बिठाता हूँ ताकि थोड़ी सी टेम होगी। तो दोस्तों ये देखें, ये माशाल्लाह से हाथ पे बैठ के दाना खा रही है, और अभी दाना क्यों खा रही है क्योंकि ये थी भूखी, वो उसका दाना ख़त्म हुआ था केज में। मैंने भाई से ही बोला था कि इसके दाना नहीं डालना, जब मैं रात में आऊँगा तो इसको इस तरह हाथ पे बैठा के दाना खिलाने की कोशिश करूँगा, तो इसने खाया दाना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हाथ पे बैठ के दाना खा रही है। इसी तरह थोड़ी सी टेम हो जाएगी जब टाइम होगी, लेकिन यार बस टाइम का इशू आपको पता है, गजब टूबी आज आदमी कि हम लोग बोलते करते नहीं है टाइम की वजह से, लेकिन ये कि अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको किया हुआ टाइम। देखें माशाल्लाह से जब भी हाथ पे बैठ के दाना खा रही, वरना पिजन आपको पता है कि जंगली पिजन मतलब भाषे लाइव होते हैं वो किस तरह डरते हैं, फौरन हाथ से उड़ जाते हैं। तो ये तो मेरे हाथ पे बैठ के सुकून से दाना खा रही है, और इसके मेल को देखें बेचारा बहुत परेशान हुआ, बार बार जाली की तरफ आ रहा है। तो इसको मैं अभी बाहर नहीं निकालूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि भाई की तबीयत सही नहीं है, और मैं अकेले यहाँ पे लगा हूँ, काफ़ी काम देखना है यहाँ पे, बहुत देर हो गई। अभी थोड़ी वीडियो बना के फिर मैं नीचे चले गया था, नीचे आके काफ़ी देर बाद वापसी ऊपर आया हूँ, रात का टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो इनको मैं थोड़ा सा दाना खिला के बंद करता हूँ। अभी जब मैंने खोला था ना तो ये पूरी यहाँ पे इसने राउंड लिया था, मतलब जो हमारी लाइटें हैं यहाँ तक के, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। पहले भाई ने बताया था कि एक दफ़ा इसने अच्छी खासी फ्लाई करी थी, उड़ के पूरा इसने राउंड लिया था यहाँ, मतलब चार पांच घर आगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो एक ये टाइम तो हुआ, और ये हमारे घर का ही बच्चा है, इंशाल्लाह जब इनके और बच्चे होंगे तो वो भी सब यहाँ के बच्चे होंगे। ये देखो वो उड़ के नीचे आ गया इसके चक्कर में, और ये रोमी उसको पकड़ के बैठ गया, वो बेचारा उड़ के अपनी बॉक्स में चले गया वापसी। ये रोमियो क्या रहे ना, बड़ी गंदी है, जो आता उसको पकड़ के बैठ जाता है उसको मारने के लिए कि मेरे केज में क्यों आए। ये बेचारे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, रोमियो डायमंड, इनकी डिस्टर्ब की वजह आपको पता है क्या है कि इनके बेचारे केज जो है उस पर आ गए पिजन, पिजन ने कब्जा कर लिया, और पिजन का केज वो पक्का बन गया क्योंकि हमने पेटियाँ वहाँ फिक्स कर दी हैं। अब इनका केज बनाएंगे, या तो मेरा इरादा जो है ना वो कुछ और ही है, इनको मैं निकाल दूंगा यार, इन्होंने ना मेरा दिल तोड़ दिया, जितना इंतज़ार था बत्तख के बच्चों का उतना ही इन्होंने वो किया, वरना मैंने सोचा हुआ था मेरी कोई मुर्गी कुड़क होगी ये अंडे देने लग जाएगी, जब तक मैं अपनी मुर्गी को इसके अंडे पर बिठाऊंगा, लेकिन इसने अंडे दिए ही नहीं। मैंने उसको कहा था भाई को थोड़ी देर खाना नहीं दियो, उसने लग रहा है दोपहर इनको खाना नहीं डाला, तो मैं जल्दी से इनको दाना भी डालता हूँ। अभी बेचारी दाना खा रही तो मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है हाथों बैठी हुई, अब बस मेरी कोशिश ये होगी कि ये इस तरह हाथ पे आए कि मैं दाना लेऊँ तो उड़ के फौरन हाथ पे आके बैठे। अभी तो खैर ये फ्लाई कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी तो मेरे हाथ पे आ गई। अब ऐसा हो ना कि बस मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, भाई चल रहा हूँ तो हमारे हाथ पे आए। ब्लॉग बनाते हुए मेरी अभी नज़र पड़ी इस पर डायमंड पे, देखें अभी भी लड़ रही हैं आपस में, मेल जो है लड़ रहे हैं, एक मेल बिल्कुल बेचारा गंजा हो चुका है। ये वाला देखें, इसकी शायद आपको गर्दन दिख रही हो,
ये जो मेल है ये इसको बिल्कुल लड़ लड़ के इन्होंने गंजा कर दिया। एक मेल एक्स्ट्रा है, जबकि वो एक्स्ट्रा नहीं है, चार फीमेल है हमारे पास, लेकिन एक फीमेल मेरे ख्याल में दो फीमेल एक मेल से सेट हुई हुई है, इस वजह से वो जो बेचारे एक रही है दोनों मेल पकड़ के उसको मार रहे होते हैं। तो यार बस इसको मुझे निकालना है, डायमंड को कम करना है और बाकी इनकी केज के हिसाब से इनकी ब्रीड लूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने बंद कर दिया था और इसमें मैंने हाथ तो गंदगी कर दी थी, लेकिन अब ऐसे सीन जब होते हैं हम कैमरा बंद कर देते हैं। अभी मैंने दाना डालने के लिए इसको खोला, इनके पहले मैं दाना डाला था, उड़ के वापसी मेरे हाथ आगे बैठ गया, ये इस चक्कर में बैठा था कि क्या पता इसको फिर दाना खिला दे। देखिए माशाल्लाह से उड़ के कितना प्यारा ये फ्लाई करके नीचे गया, इसका मेल भी बाहर आ गया, रोमी डायमंड भी बाहर आ गया, इनके पहले मैं दाना डाल रहा था इस वजह से वापसी बाहर आ गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते तो आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्शो की सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।